तुम्हारे जीवन में आपका स्वागत है। इस नीबे में आपको लैपटॉप का पासवर्ड कैसे चेंज करें इसके बारे में जानने को मिलेगा। अगर आप लैपटॉप का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं क्योंकि उसमें नहीं पासवर्ड लगाना चाहते अपना चाहते हैं तो आप बहुत आसान से अपना लैपटॉप का पासवर्ड चेंज करके उसमें नहीं पासवर्ड रख सकते हैं। मगर इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप इसके जरिए बहुत आसान से लैपटॉप का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो लैपटॉप का पासवर्ड चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स बड़े पड़े। सबसे पहले आपको लैपटॉप पर विंडोज़ के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो विंडोज़ के आइकन पर क्लिक करने के लिए नीचे लेफ्ट साइड पर आपको विंडोज़ का एक आइकन दिखाई देगा। तो आप उस विंडोज़ का आइकन पर क्लिक करिए और आपको कुछ आइकॉन दिखाई देगा और उन सब के साथ आपको सेटिंग्स का भी एक आइकॉन मिलेगा। तो आपको वो सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा और उनके साथ आपको सेटिंग्स का भी क्या ऑप्शन मिलेगा। तो आप उस सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करिए और आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा और उन सब ऑप्शन के साथ आपको अकाउंट्स का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप उस अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करिए। अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद आपको साइन इन ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपको वो साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा और आपको पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप उस पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करिए। पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको चेंज का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको उस चेंज ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब आपको करंट पासवर्ड के पास एक बॉक्स दिखाई देगा और आपको उस बॉक्स पर क्लिक करके आपको अपने लैपटॉप के पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। जो आप अभी आपके लैपटॉप पर पासवर्ड लगा हुआ है वो एंटर करना पड़ेगा। तो एंटर करने के लिए करंट पासवर्ड के बाद बॉक्स पर क्लिक करके पासवर्ड को एंटर करें। रखने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड इन पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो एंटर करने के लिए आपको न्यू पासवर्ड के पास बॉक्स पर क्लिक करके उसमें अभी जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रखना चाहते हैं लैपटॉप का वो एंटर पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। वो करने के बाद कंफर्म पासवर्ड के पास बॉक्स पर क्लिक करके उसमें भी सेम पासवर्ड एंटर करें। ओपन के बाद पासवर्ड के बाद बॉक्स पर क्लिक करके पासवर्ड का जो हिंट रखना चाहते हैं वो एंटर करें। ओपन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए और आपको फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको लैपटॉप का पासवर्ड चेंज होकर उसमें न्यू पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से लैपटॉप आसानी से अपने लैपटॉप का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको लैपटॉप का पासवर्ड कैसे चेंज करेगा इसका कल मिल गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपने बताइए। अगर क्वेश्चन तो आप अपने पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें।